हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा हमको पहले से जाना पड़ेगा, पड़ोसी लोग बाद में आएंगे, हम घर के लोग हैं ना, है कि नहीं। अभी लेट से जाऊंगी तो अच्छा नहीं रहता है ना, थोड़ा सा जिम्मेदारी निभानी चाहिए भाई। इधर आरो भी तैयार हो रहा है तो ये लोग भी जाएंगे, लेकिन इन लोग को थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं सोची कि चल रही हूँ, अपने ही बिल्डिंग में सब लोग हैं, आरो तो एकदम पूरा एक्साइटेड से खड़ा है। अभी तो वो भी कहाँ रेडी हुई है, तो हम चल रहे हैं वहाँ। चल रहे, देखिए पूजा पूजा की तैयारी हुई है कि नहीं। सब कुछ लगा दे, हम वो सवेरे पूजा करके उठे हैं तो नेक पेंट हरा हरा लगाए, हरा चूड़ी पहने, हरा सब। चार दिन जिंदगी बा, जवान जिंदगी बा, जी ले जा सर। साड़ियां ना पाएंगे हम तो, चल के दांत के इलाज करवा। देखा हम आ रही मम्मी है ना, आ रही मम्मी है, दोनों जने आ रही मम्मी है। आरो पीछे से खड़ा होकर देखा था, दोनों आ रही बहुत बदमाश है। तो गाइस मैं कैसे लग रही हूं मनीषा, एकदम जबरदस्त। हम कैसा पूजा में ना, बहुत निक लगा था, नजर न लगा, बीमार न पड़िया। नहीं बाबा, वो बाबा है ना हमारे साथ है, हम बीमार ना पड़ा। तो गाइस चलो चलते हैं, ये लोग को भी समय लगेगा। हाँ चलो आना मनीषा, ठीक है। लेकिन सुनो पूजा, इस समय ना इस हालत में पूजा सुनना चाहिए। बाबू तो पूजा को मन लगाई ना, हाँ तो उसका भी मन लगा रहेगा। तो ये भी जाने के लिए नेल पेंट उन लगा रही है भाई, पूजा सबका। मनीषा अपना चार्जर मुझे दे दो थोड़ा सा। हाँ हो गया है आपका, देखो गाइस पड़ोसी से चार्जर मांगना पड़ रहा है, ये आरओ की वजह से। आरओ अगर ऐसा नहीं किया होता ना तो मुझे नहीं ऐसा करना पड़ता, और मैं मार्केट भी नहीं जा पा रही हूँ। दे दो पड़ोसियों से हमेशा रिश्ता अच्छा बना कर रखना चाहिए, तब क्या ना मुसीबत में अगल बगल ही काम आते तब क्या बाद में। चलो चलती हूँ, हाँ पड़ोसी सबसे पहले ही पहुँच जाएंगे ना। तो गाइस इधर देखिए हम लोग आ गए हैं, ननद भी आ गई है, और अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है। माइक वाइक सेट हो रहा है हमारे लिए, आ दो दो मुझे बाबू को। इधर देखो बाबू भी आ गए, ये भी भोलेनाथ का पूजा सुनेंगी। आरो बैठ जाओ, ये क्यूट सी बेबी कैसी लग रही है, ये लड़की है कि लड़का है, कमेंट करना। तुम लड़की हाँ, लड़की तुम्हें पता है लड़की है, हमको भी पता है लड़की है, लेकिन हमारे हमारे गाइस को नहीं पता है ना कि लड़की है कि लड़का है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
सत्संग का मेन मकसद है और मेन जीवन को अपने सार्थक बनाने के लिए अच्छे गुणों को अपने में भरना है। तो भगवान से छोटी सी प्रार्थना करनी है, दाता तेरा मेरा प्यारे कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यारे कभी ना बदले, 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 गाइज पूजा जैसे ही स्टार्ट हुआ इधर चर्चा भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं पूजा में आई, जैसे ही आई सब व्यवस्था स्टार्ट था और देवर सब अकेले ही सब संभाल रहे थे, मतलब ये देख के कि ये जो बाजा वगैरह हुए साउंड वाउंड है सब अकेले देख रहे थे, बच्चे अपने पढ़ाई में थे, आर्यन का फास्ट था और थोड़ा सा आर्यन का तबीयत भी नहीं सही था तो वो घर पे रुका था। मैं जा रही थी तो मैंने बोल के गया था, आप लोगों ने पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं आर्यन को बोल रही 4 बजे तक आ जाना, लेकिन सब कुछ अकेले के लिए मुझे, और जब पूजा स्टार्ट हुआ तो मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई कि मेरी आँख से इतना आंसू गिरने लगा कि समय 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 कितना बलवान होता है ये तो सबको पता है, और जब घर में पूजा पाठ हो कोई बड़े लोग नहीं रहते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बड़ों के बिना देखो घर बहुत अधूरा रहता है, जब घर में बड़े रहते हैं ना तो लोगों का डर रहता है और कुछ अदब रहता है, बड़े छोटे का लिहाज भी रहता है। तो यहाँ मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी अपने पति देव को और सासू माँ को मिस कर रही थी, क्योंकि देखो इन सब के बिना घर अधूरा रहता है, चाहे सास हो चाहे पति हो, इन्हीं से घर बनता है ससुराल में और इन्हीं से भी बिगड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, मुझे याद आ गई कि आज अगर से आर्यन के पापा होते तो ये सब कार्यक्रम होता तो कितना अच्छा लगता और कितना एक उत्साह वो अलग रहता, लेकिन ये उत्साह में हम लोग कुछ भी करते हैं ना तो मुझे बहुत रोना आता है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, मुझे बहुत मतलब मैं ना सोचती हूँ कि मैं खुशी मन से कितने अच्छे से तैयार हो के आई, मैं सोची थी क्या कि मैं जाऊँगी वहाँ रोंगी, लेकिन जैसे ही पूजा स्टार्ट हुआ मुझे रुलाई आने लगी, ऑटोमेटिक आँख से आंसू गिरने लगते हैं, और हम लोग पास में ही रहते हैं, एक मौका मतलब आ जाते हैं, आज जैसे पूजा हुआ मेरी देवरानी गई मुझसे बोलने, मैं पूजा में शामिल भी हुई और पूजा में आने से पहले मैंने सासू माँ से बात भी किया, आज ससुराल में भी मेरे रुद्राभिषेक मेरे चचिया ससुर करवाए हैं, तो सावन का महीना चल रहा है, पूजा पाठ तो जारी रहेगा, लेकिन बगैर परिवार के बगैर सास के बगैर आदमी के घर में ना वो रौनक नहीं रहता है जो रौनक ससुराल में रहता है, हम सब कुछ खाली खाली लग रहा था, जैसे लगता है कि अकेलापन सुनापन वो चीज़ नहीं आता है, कितने भी आस पड़ोस के लोग भर जाए लेकिन जब तक अपने नहीं होते हैं अपनों का साथ नहीं होता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मेरा चाहते क्या है कि हम शुरू से ही हमारा यही सिद्धांत है, देखो 4 दिन की ज़िंदगी है, लोग को जैसे जीना है जिए, लेकिन रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन इंसान को रिश्ते सोच समझ के ही बोलना चाहिए सोचना चाहिए, हम पास में ही रहते हैं देवरानी जेठानी हैं लेकिन मौका पड़ता है तभी एक दूसरे के घर आते हैं जाते हैं, और बकिया सब अपना कमाते हैं अपना खाते हैं,
तो ना हमको बुरा लगता है ना हमारे परिवार को बुरा लगता है, और ना बुरा मानने वाली क्या बात है। हम तो कहते हैं कि हमको देखो भाई तकलीफ़ होता है, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे समझदारी हो गई है कि इस दुनिया में देखो कि कोई किसी का नहीं है, चाहे अपना सगा भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे ससुराल से रिलेटेड हो, चाहे मायके से रिलेटेड हो। अगर आपके पास जांगर है, पौरुष है, आप अपने मेहनत से कर रहे हो, तो आप अपने को खा सकते हो, पी सकते हो, पहन सकते हो, ओढ़ सकते हो, लेकिन कोई किसी को कर नहीं सकता है। ये तो हम जब से हमारे हम हस्बैंड ऑफ हुए हैं तब से हम जान रहे हैं। और मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैं कुछ भी बोलूँगी तो आप लोग को भी बुरा लगेगा कि पूनम दीदी देखो पूजा में गई है इतना, देखिए ये हमारे देवर हैं कि जो भी आ रहे हैं उनको भी अकेला, कहीं ना कहीं उनको भी अकेला बहुत ज़्यादा फील होता है कि हाँ हम अकेले हैं। दो भाई में से अगर कहा है ना कि अगर एक का हाथ छूट जाता है तो अपने आप को इंसान बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है। जो कमज़ोरी उनको महसूस होती है वही कमज़ोरी मुझे भी महसूस होती है, तो दोनों का दर्द बराबर है। और क्या कह सकते हैं, ब्लॉग को एंड